हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट लेटर राइटिंग हाउ टू राइट लेटर्स देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर वन इज़ फॉर्मल लेटर एंड अनदर वन इज इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न फॉर ऑफिशियल पर्पस ये ऑफिशियल पर्पज के लिए लिखा जाता है Uh, it may be written to the head of institution or to any business firm or to the editor of newspaper or to the government officials, etc. now let's see the format of a formal letter. what is the format of a formal letter? so in this um, for, uh, formal letter format, first of all, you have to write your own address. अपना एड्रेस लिखते हैं राइटर्स एड्रेस मीन्स जो लिख रहा है इस लेटर को उसका एड्रेस पहले लिखा जाता है देन डेट इज़ रिटर्न एंड इट कैन बी रिटर्न एस अगस्त 14 2020 और ट्वें फोर्टीन अगस्त 2020 इन बोथ वी इट कैन बी रिटर्न देन थर्ड विल बी एड्रेस ऑफ द पर्सन और फार्म रिसीविंग द लेटर जिसको भेजा जा रहा है लेटर उसका एड्रेस थर्ड नंबर में रहेगा देन सब्जेक्ट यू विल मेंशन द सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं पहले एंड देन सेल्यूटेशन लाइक सर और डियर सर देन बॉडी लेटर का जो लेटर में जो भी आप मेंशन करना चाहोगे वो बॉडी पार्ट में आप मेंशन करोगे और उसके बाद सब्सक्रिप्शन रहेगा एंड देन सिग्नेचर नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल लेटर लाइक फर्स्ट हियर आई हैव प्रोड देहरादून दिस इज राइटर्स एड्रेस एंड देन डेट इज रिटन अगस्त ट्वेंटी फाइव or you can write 25th august 2020 then uh, you will write address of person or farm who will receive the letter so there i have written the station house officer dehradun this is the address of a officer to whom we are sending this letter and then you will uh, mention the subject in subject uh, whatever matter you wanted to write in the letter in one line you will write that uh, matter shortly in subject part and then uh, salutation you will write sir or dear sir and uh, after that you will star uh, start writing the letter then after uh, completing your letter you will write thank you after that yours faithfully or yours obediently you have to write and your name so this is example of formal letter and uh, for, uh, remember one thing that uh, it should not be uh, very long uh, it should be written to the point फॉर्मल लेटर शुड बी रिटर्न टू द पॉइंट नॉट वेरी लॉन्ग एंड अवॉइड मैंसनिंग टू मैनी डिटेल्स अगर ज़्यादा डिटेल आप मैंसन करेंगे फॉर्मल लेटर में तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और हमको फॉर्मल लेटर ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं मैंसन करेंगे टू द पॉइंट हम लेटर को लिखेंगे और पूरी फॉर्मेट हमारी लेफ्ट साइड में रहेगी जो भी हमारा एड्रेस है या फिर जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस डेट सल्यूटेशन लेट बॉडी का स्टार्टिंग सभी हम लेफ़्ट साइड में ही लिखेंगे अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन का एग्जांपल। फॉर्मल लेटर में हम पहले अपना एड्रेस लिख रहे थे लेकिन एप्लीकेशन में हमको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट हम डेट uh, से स्टार्ट करेंगे पहले हम डेट लिखेंगे लाइक like, मैंने यहाँ पे लिखा अगस्त टू 2020 या फिर आप लिख सकते हैं सेकेंड अगस्त 2020 फिर द प्रिंसिपल स्कूल का नाम और फिर स्कूल का एड्रेस उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे फिर सेल्यूटेशन लिखेंगे और फिर अपना लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे एंड एट लास्ट यू विल राइट थैंक यू योर्स ओबीडियटली और योर्स फैथफुली कोई भी आप एक लिख सकते हैं और फिर अपना नाम लिखेंगे और एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर दोनों ही सेम होता है लेकिन एप्लीकेशन हम लीव एप्लीकेशन लिखते हैं एप्लीकेशन में लीव एप्लीकेशन लिखा जाता है और एप्लीकेशन फॉर एनी जॉब और फॉर एनी इंटरव्यू वी आर राइटिंग एप्लीकेशन इट इज़ अ इट इज एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग और फॉर्मल लेटर हम बिजनेस फॉर्म में लिखते हैं uh, या फिर किसी ऑफिशियल पर्पज से लिखते हैं फॉर्मल लेटर कुड भी लेटर ऑफ इंक्वायरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और अ लेटर ऑफ कंप्लेन और दोनों ही फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन दोनों ही लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है नेक्स्ट लेट्स इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर तो इनफॉर्मल लेटर में भी पहले हम राइटर्स एड्रेस होगा जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होगा फिर डेट होगा फिर सेल्यूटेशन होगा उसके बाद लेटर का बॉडी होगा सब्सक्रिप्शन एंड देन सिग्नेचर और ये इनफॉर्मल लेटर भी हम पूरे लेफ्ट साइड में ही लाइक सी दिस एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर फर्स्ट यू हैव टू राइट योर मीन्स योर एड्रेस राइटर्स एड्रेस लाइक हियर आई हैव है हाउस नंबर टू शाकेत नगर न्यू डेली देन यू विल मेंशन डेट लाइक अगस्त टू ट्वेंटी ट्वेंटी और सेकेंड अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी then you have to write salutation dear uncle dear father dear mother but don't write dear friend you will write uh, dear and your friend name like uh, dear ankit dear Puja, like that you have to write in salutation then uh, you will write body of the letter and uh, uh, informat, uh, informal letter कैन बी रिटर्न लॉन्ग इट मे बी लॉन्ग ये लंबा भी लिखा जा सकता है फॉर्मल लेटर में जैसे हम छोटा लिख रहे थे टू द पॉइंट लिख रहे थे यहाँ पे ऐसा नहीं है हम थोड़ा लंबा भी लिख सकते हैं इस लेटर को एंड दिस लेटर एज़ यू नो दैट वी आर राइटिंग इन फॉर्मल और पर्सनल लेटर टू आवर क्लोज फैमिली मेम्बर्स और टू आवर फ्रेंड सो इट विल बी रिटर्न इन अ फ्रेंडली टोन हम ये इनफॉर्मल लेटर फैमिली मेम्बर को लिखते हैं या फ्रेंड को लिखते हैं इसलिए इसका टोन फ्रेंडली होना चाहिए और ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है चलेगा फॉर्मेट बस लेफ्ट साइड में होगा सारे मतलब लेटर की स्टार्टिंग आप लेफ्ट साइड से ही करेंगे और फिर लास्ट में आप आप लोग लिखोगे योर्स लविंग इन सब्सक्रिप्शन योर्स लविंग या फिर आप लिख सकते हैं योर्स एफेक्सनेटली योर्स ट्रूली और फिर लास्ट में अपना नाम लिखेंगे आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स थैंक यू